नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर बेतिया से है। 7 मई को गुजरात एवं केरल से अंग तुर्कों को लेकर आ रही रेलगाड़ियां, जिसको लेकर जिलाधिकारी कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक नितासा गुड़िया द्वारा रेलवे स्टेशन बेतिया पर अंग तुर्कों के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रेलगाड़ी से अंग तुर्कों के उतरते ही उनकी प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग कराएं, तत्पश्चात उसके सामानों को सैनिटाइज करते हुए बस में बिठाकर संबंधित ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाया जाएगा। स्टेशन पे हमारे यहाँ केरला के एलएमपी से ट्रेन आ रही है। 4 बजे का टाइमिंग शाम में उसको दिया गया, उसमें 1200 लोग आएंगे जो एलएमपी केरला से जो ट्रेन आ रही है। उसके साथ साथ एक और ट्रेन यहाँ पे आने की, बेतिया स्टेशन पे आने की सूचना प्राप्त हुई है, जो गुजरात से ट्रेन आ रही है और वो 1:40 का उसका टाइमिंग दिया गया है। उसमें भी 1200 लोग रहेंगे। अभी जो बताया गया है कि उसमें सारे लोग जो है वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से ही है। उसका प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है, हेल्थ स्क्रीनिंग और उनके जो है जितने भी उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हेल्थ स्क्रीनिंग, उनके भोजन पानी, इसकी व्यवस्था प्लस बसेस की व्यवस्था वो टोटली कर ली गई है और सारी व्यवस्थाएं जो दुरुस्त हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहाँ पे ध्यान रखने का पूरा अरेंजमेंट कर लिया गया है। इसके साथ साथ मोतिहारी में स्टेशन पे हमारे कोटा से 750 बच्चे आ रहे हैं, उनको भी लाने के लिए 30 बसेस भेजी जा रही है। कल मॉर्निंग में 5 बजे तक वो आ जाएंगे, उसके बाद उनको सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में ले जाया जाएगा, जहाँ से कि उनको बाहर से जो श्रमिक ट्रेन से आ रहे हैं उनको तो हाँ, जितने भी प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनको हर एक ब्लॉक में ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, उसमें रखा जाएगा। वहाँ पे आते ही उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर स्क्रीनिंग में कोई भी सिम्टोमेटिक होंगे तो उनको तत्काल ब्लॉक हेल्थ क्वारंटीन सेंटर भी हम लोगों ने बनाया है, उसमें उनको ठीक है। सेकेंड काउंटर पे उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा और थर्ड काउंटर पे उनका डिग्निटी किट वगैरह जो दिए जाने हैं वो दिया जाएगा। उसमें जो फर्स्ट काउंटर है उसके मेडिकल टीम रहेगी और वो सभी जितने भी हमारे लोग आ रहे हैं, प्रवासी श्रमिक और जो लोग आ रहे हैं उनको स्कैन करेगी मेडिकल टीम। अगर कोई भी व्यक्ति उसमें एक भी सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो तत्काल उनको अलग कर दिया जाए, ठीक है।